कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा मजा तो सफर का होता है। आप सब लोग अभी हम तैयारी में हैं, जा रहे हैं आज संडे और सैटरडे संडे एंजॉय करने। राज भाई और मैं, हेलो, ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ पे अपना संडे एंजॉय करने ऋषिकेश से कुछ ही दूर पे, मेरे ख्याल से 138 किलोमीटर दूरी पे यहाँ पे तारकेश्वर एक मंदिर है, तो अभी हम जाएंगे वहाँ। उससे पहले, वो हमारी लास्ट लोकेशन है, उससे पहले हम जाएंगे लैंसडाउन और वहाँ पे हम आज, मेरे ख्याल से हम आज वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे, वो भी टेंट लगा के। तो देखते हैं आगे। हाल फिलहाल में ही राज भाई ने, मैंने दो नई गाड़ियाँ खरीदी है, एक मैंने और एक राज भाई ने, तो आज इसकी पहली लॉन्ग ड्राइव है इन दोनों बाइकों की। तो देखते हैं ये हमारा साथ देते हैं कि नहीं देते हैं, और ऊपर से राज भाई हम पे गुस्सा होते हैं आज के नहीं होते, ये भी देखेंगे। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे पेट्रोल भरवाने, तो लोकल में ऋषिकेश में ही है। अभी हम यहाँ से निकलते हैं, अभी देखता हूँ, मेरे पीछे दो टेंट बंधे हैं, बस कहीं पुलिस वाले कोई चोट ना कर दे रास्ते में, चक्कर में अभी देखता हूँ क्या होता है। अभी मेरे ख्याल से काफ़ी जगह पर रास्ते ब्लॉक होंगे, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो ये तो संभव है, रास्ते ब्लॉक होना बहुत संभव है हर जगह। तो हमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा, और सजेस्ट करूँगा इस टाइम उत्तराखंड गाइस लोग कम से कम आएँ बाहर से, क्योंकि आप पूरी तरह से घूम भी ना पाएंगे और रोड भी काफ़ी ख़राब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये यहाँ से कट गया हमारा नीलकंठ वाला रूट, और हमारा कट गया यहाँ पे क्यू नहीं, यहाँ से हमें जाना है सीधा यमकेश्वर वाली रूट पे। ये यहाँ से ये कट गया नीलकंठ का रूट, और हमें जाना है इस रूट पे। तो गाइस आप देख सकते हैं पिछला रूट जो ऊपर जा रहा है, ये है हमारा नीलकंठ का रूट, और इससे आगे जो हम आ गए हैं, यहाँ पे आ गए हम यहाँ पे यमकेश्वर वाली रोड पे और कोटद्वार एक ही लोकेशन पे हैं। और जो आपको सामने सीढ़ियाँ दिख रही है, ये सीढ़ियाँ जाती है एक मंदिर की तरफ, यहाँ पे मेरे ख्याल से देवी का मंदिर है, तो ये भी बहुत अच्छी लोकेशन है, आपको कोई अगर आना चाहे तो ये भी बहुत प्यारी लोकेशन है यहाँ से ऊपर। तो दोस्तों बात ऐसी है कि लैंसडाउन जाने के दो रूट हैं, एक ये वाला जो नीलकंठ ऋषिकेश के पीछे से होके कटता है नीलकंठ से होते हुए, और एक है यहाँ से हरिद्वार वाला रूट। तो इनमें फ़र्क क्या है कि एक तो सैटरडे है आज, और हरिद्वार वाले रूट पे जाम बहुत लगता है, और ये वाला रूट जो है कि ये वाला थोड़ा लॉन्ग है बट अच्छा है, व्यू भी है, तकड़ा है पूरा एकदम बढ़िया वाला, और रूट खाली है पूरा, इसलिए इसमें मज़े हैं पूरे। हरिद्वार वाले रूट में ऊपर से गर्मी अलग, जाम अलग, सब चीज़ें हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये वाला रूट चूज़ करूँ, क्योंकि इस रूट पर एक बार मैं पहले आया हूँ, बहुत पहले, मे बी करीबन 2 साल पहले आया हूँ इस रूट से, पर एक काफ़ी प्यारा रूट है, बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ से। हाय हाय, यहाँ से भी हमें करते हैं गाइस दो रूट, एक मापगढ़ के लिए, एक दुगड्डा के लिए। तो हमें मापगढ़ ना जाके डायरेक्ट सीधे निकलना है दुगड्डा के लिए। तो गाइस हम आधी लोकेशन तक हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हम रुके हैं फोटो शूट वगैरह के लिए, वीडियो क्लिक करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि लोकेशन यहाँ पे कितनी प्यारी है, बहुत बेहतरीन लोकेशन है। अगर यहाँ पे भालू का डर ना हो तो हम यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे भालू का डर हो सकता है, क्योंकि लोकेशन इतनी प्यारी लोकेशन है यहाँ पे, और ठंडा भी बहुत है यहाँ पे, मज़ेदार एकदम। दोस्तों आ
आज का प्लान ऐसा है कि हम रुकेंगे आज लैंसडाउन में, या फिर लैंसडाउन से पीछे की जगह पड़ती है वहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि इसके आगे हमें जाने नहीं दिया जाएगा। हमें ग्रीन फील्ड ग्राउंड ग्राउंड टाइप का है क्या? हाँ ग्राउंड ग्राउंड है, क्रिकेट वो क्रिकेट भी खेलता हूँ वहाँ पे, एक दो वो भी बना रखे होटल टाइप के टेंट नहीं होते। अच्छा अच्छा ठीक है, सही है। मार्केट यहीं से आगे है, यहाँ से निकल जाओ आप नीचे नीचे। थैंक यू भैया, थैंक यू। नीचे नीचे नहीं, यहीं पर मार्केट खुल जाएगा, यहाँ से लॉन्ग खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे लैंसडाउन में और हमने एक बंदे से बात करी अभी, मनीष रावत, वो भी हमारे लोकल से ही हैं, ऋषिकेश से ही, और काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात कर। उन्होंने हमें आइडिया भी दिया कहाँ पे टेंट लगाना है हमें, तो इसका बहुत बेनिफिट हुआ। अभी देखते हैं कब टेंट लगाने की जगह तो हमें मिली जाएगी लैंसडाउन में। तो गाइस ये रहा हमारा लैंसडाउन, आप देखिए हमने भी पूरा साथ दिया, ये रहा हमारा लैंसडाउन यहाँ पे, असली मज़ा मौसम में है। हाँ सेक्सी। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में लैंसडाउन में, आप देखते हैं कैंप लोकेशन तो उन्होंने हमें बता दी है और काफ़ी अच्छी लोकेशन बनाई है जंगल की लोकेशन। तो जंगल की लोकेशन में हमें टेंट लगाने को मिलेगा। अभी यहाँ पे चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद हम जाएंगे अपना खाना लेने, खाना पैक करा के हम निकलते हैं अपने टेंट लगाने। और बने रहिए ब्लॉग में, मज़े लो। आप जगह देखो, आप कितनी प्यारी जगह है यार, बहुत बेहतरीन जगह एकदम। ठीक है, एक दाल मखनी हो गई, तुम राइस लोगे? चावल नहीं मैं लूँगा। नहीं लोगे? एक एक राइस लिख दो, प्लेन राइस। प्लेन राइस, प्लेन राइस माइनस कर दीजिए आप। तो तड़का रेस्टोरेंट, तो ये हमारा तड़का रेस्टोरेंट नाम से। और कभी कभी खुद भी काम करने पड़ते हैं, भाई जी अवेलेबल ना हो यहाँ पे तो खुद लिखना पड़ता है, खुद बिलिंग करने पड़ते हैं। तो भैया ये खाना पैक करना हमारा यार, कढ़ाई पनीर दाल मखनी, बाकी मिलते हैं रात खाने से। टेंट लगाना है अभी, अभी टेंट लगाना है, बहुत रात हो चुकी है, कितने लगभग 8 बज चुके हैं और टेंट लगाना है हमें अभी, देखते हैं। तो गाइस जो कि होटल का नाम मैं भूल चुका हूँ, अभी हमने खाना खुना पैक करा के हमने वहाँ पर टेंट की बात की थी, तो टेंट के पैसे उन्होंने पहले हमें 2,000 रुपये कहे थे, जो कि हमने कम करवा के 800 रुपये में बात कर दी थी। 800 रुपये में उन्होंने हमें टेंट लगाने की परमिशन दे दी थी यहाँ पे, और उन्हीं के उसमें जा रहे हैं टेंट लगाने, वहाँ टेंट लगाएंगे अपना आराम से। अभी तो लेट काफ़ी हो चुकी है। हमारे राम भाई जी कैसे हैं आप? बस ठीक है, बढ़िया। पहुँच गए हम फाइनली यहाँ पे, कौन सा रिजॉर्ट है ये भूल गया था मैं नाम, कॉर्बेट, हाँ हिल व्यू कॉटेज पहुंच गए हम यहाँ पे, और बढ़िया ढंग से। अब देखते हैं, बाघ बुग तो मिला नहीं, वो बाघ 2 रखे थे गेट पे आ गए, वो पता वो काटने को तो आए नहीं हमें। ये हम एंटर हो गए हैं कैंप साइड में अंदर। ये हमारे भाई जी, आपका शुभ नाम भाई जी? जय प्रकाश भाई जी। यहाँ पर ये अंदर रहते हैं होटल में, और राम सिंह भाई जी तो बता दे मैंने पहले, राम सिंह भाई जी रेस्टोरेंट में बैठते हैं। और यहाँ हमारा खाना, ये यहाँ सब कुछ मिल जाता है, आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं ऊपर मार्केट से, आपको सब यहीं अवेलेबल हो जाएगा। और इसका नाम है क्या? हिल्स व्यू कॉटेज नाम से है यहाँ पे, और आप यहाँ पे आराम से, बाकी अभी टेंट लगाने के बाद कल मिलते हैं, कल आपको अच्छे से लोकेशन दिखाऊंगा सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि अभी तो रात हो चुकी है काफ़ी। और इनकी शक्लें देखो, इनके चेहरे पर आप खुशियाँ देखो, देखो इधर देख लो खुशियाँ देखो इनके चेहरे पर, जवानी फूट रही है मुँह में। ठीक है, मिलते हैं अभी टेंट लगाते टाइम पे। यहाँ पे डिनर के बाद मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा कैंप साइड, अपना कैंप जो हमने लगाया है अभी फिलहाल, ऐसे देख लो ये मेरा टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा टेंट है, आप देखें मज़ेदार एकदम। और ये मेरी लाइट यहाँ पे, स्पीकर लाइट दोनों है इस पर, मज़ेदार एकदम। इसमें जो मज़ा आता ना, ये जब रात को बंद होती है ना और जलती है लाइट तो बहुत अमेजिंग लगता है। ये वाला टेंट भी दिखा दो, वो वाला टेंट, तो ये तो दोस्त का टेंट है, गरीब टेंट है बहुत, पिटकोट। अगर मेरा दोस्त इस ब्लॉग को पूरा देखेगा समझ जाएगा कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। तो ये गरीब टेंट है, ये जो फटा हुआ टेंट दे दिया उसने हमें, धोखेबाज इंसान। ठीक है गाइस, हेलो गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, कल मिलते हैं, टाटा, गुड मॉर्निंग गाइस। ओके सो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी हम उठे हैं सो के, यहाँ पे उड़ते हैं यहाँ से जल्दी नाश्ता बनवाते हैं अपने लिए, कुछ दो पराठे और चाय जो मिल जाए। और बाहर का मौसम, बारिश का अभी पूरा मौसम बारिश का है बाहर,
उसके बाद देखते हैं बारिश के बाद कहीं रुकेगी तो आगे चलते हैं तारकेश्वर की तरफ। तारकेश्वर तो जाना पूरा है हमने वैसे भी, पर टेंट के अंदर जो नींद आई है इतनी प्यारी नींद आई है आज, बहुत प्यारी वाली नींद आई है। और बगल में भैया के टेंट में तो हल्का हल्का पानी आया था, बट हमारे टेंट में कुछ नहीं हुआ ऐसे। अभी देखते हैं, रेडी होते हैं फिर चलते हैं आगे, और आपको बाहर का भी दिखाऊं। यो तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अभी तारकेश्वर मंदिर में। मंदिर के बाहर अभी पहुँचे हैं, प्रसाद वगैरह लेंगे यहाँ पे, ले लिया है ऑलरेडी हमने, सब कुछ ले चुके हैं प्रसाद वगैरह। अब यहाँ से निकलते हैं मंदिर के लिए, और बारिश बहुत बढ़िया पड़ रही है और जिसकी वजह से ठंड काफ़ी हो रही है। ठंड मतलब कि यहाँ बुरे हाल हो चुके हैं, हालत ख़राब हो चुकी है हमारी पूरी। बाकी अभी चलते हैं मंदिर से आगे, देखते हैं। और हम फाइनली पहुँच चुके हैं, खुशी देख रहे हैं आप, खुशी देख रहे हैं लौंडों के चेहरे में, खुशी देख रहे हैं उनके चेहरे में पहुँच के, जान मुझे रोना बताओ है, बम बोले खुशी देख रहे हो तुम। मतलब जो हमारा हफ्ते भर का स्ट्रेस था घर पे, वो सारा आज दूर हो चुका है। आज नहीं, दो महीने का पूरे लॉकडाउन के बाद जा रहा हूँ पहले ट्रैक पे, तो मतलब वो कल से पूरा स्ट्रेस मतलब दूर हो चुका है हमारा, तो मजे पूरे हैं यहाँ। चलते हैं आगे बढ़ते हैं यहाँ से। दर्शन कर लिए हैं और मंदिर की लोकेशन आप देखो कितनी बेहतरीन लोकेशन है यार यहाँ की, तो इसको वीडियो को मैं पूरा ना बना के एक काम करता हूँ, इसका पूरा टाइम लैप्स से बना के देखता हूँ। इसी के साथ हमारा तारकेश्वर का ट्रैक यहीं पे ख़त्म होता है। अभी ख़त्म नहीं करूँगा, अभी हम आगे जाएंगे, कुछ चीज़ें आगे और मिलेगी तो वो दिखाएंगे, बट यहाँ पे हम मंदिर होके आ चुके हैं, भोजन करेंगे पर यहाँ पे हम मंदिर से होके आ चुके हैं बाहर। अब हम फ्री हैं, हम फोटो क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से जाएंगे घूमते हुए। और अभी तो इसी के साथ यार सब्सक्राइब लाइक और शेयर बस ये ज़रूर कर देना, कम से कम मेरे 1000 सब्सक्राइबर तो बढ़ने चाहिए इस टाइम पे यार, इतनी कृपा कर दीजिए सब लोग, दरादर शेयर पे शेयर। अभी एक हफ्ते बाद हमारा एक नया ब्लॉग और आएगा वैली ऑफ फ्लावर का, तो उसके लिए भी जुड़े रहिए आगे हमारे साथ। लास्ट में जाते जाते थैंक यू सो मच लास्ट में जाते जाते तारकेश्वर महादेव की जय।